मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो सैंगोबियान सिरप है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो आयरन और बी कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के विटामिन कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और निकोटीन अमाइड और बायोटिन। ये जो है ये सारे विटामिन्स हैं और इसके अंदर जो आयरन है वो फेरस ग्लूकोनोलेट की फॉर्म में है। ये 5 ml के अंदर ये क्वांटिटी है इनकी और ये जो सिरप है ये 120 ml का है। इसके जो मैन्युफैक्चरर है वो मार्टिन डाओ मार्कर है और ये जो यूज होता है ये एनीमिया को ट्रीट करने में यूज होता है, यानी कि जो खून की कमी हो जाती है उसको ये पूरा करता है, खून बनाता है, उसमें हेल्प करता है। तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के एनीमियाज में ये यूज हो रहा है, जैसे जो एनीमिया जो प्रेगनेंसी में हो जाते हैं या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो जाते हैं या मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है और हाइपरक्रोमिक वगैरह, इन एनीमिया में भी इसको यूज करते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्री एनीमिया है और ग्रोथ के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, यानी ये जो है बहुत सारी एनीमियाज को ट्रीट करने में यूज हो रहा होता है। तो चले अब इसके साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। इसके जो सबसे ज्यादा जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे पेट पे होते हैं, यानी हमारे और जो दीगर डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पे होते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो इसके आते हैं वो होते हैं नौजिया कर सकता है, यानी कि इससे मतली हो सकती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकता है, यानी कि इससे इरिटेशन हो सकती है बहुत ज्यादा हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की कैनाल के अंदर, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है यानी कि कब्ज हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है यानी पेट भी खराब हो सकता है, कोलिक का भी पेन हो सकता है इससे, स्टमक अपसेट भी हो सकते हैं यानी कि हमारा जो मैदा है वो भी अपसेट हो सकता है इससे, वॉमिटिंग हो सकती है यानी कि उल्टी, और डार्कनिंग ऑफ स्टूल्स भी हो सकते हैं। डार्कनिंग ऑफ स्टूल्स यानी कि जो हमारे जो फीसेज हैं वो ब्लैक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और जो स्टूल पास होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं। और जो इसका जो एक और है वो ये कि ये आयरन ओवरलोड भी कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आयरन ओवरलोड में आयरन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको पता है कि हर चीज़ की ज़्यादती जो है और कमी दोनों हमारे लिए नुकसानदेह, हमें नॉर्मल चीज़ चाहिए। ठीक, अच्छा, ये और मजीद स्टमक पेन भी कर सकता है, कि इसमें मैदे में दर्द हो सकता है, हमारे पेट में दर्द हो सकता है, स्किन कंडीशंस भी कॉज कर रहा होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, एक्सेसिव थर्स्ट होती है यानी कि, और इससे ब्लरी विजन भी हो सता है। ये जो ब्लरी विजन वगैरह ये अमूमन वाइटामिन, चूँकि इसमें वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं ये सारे, तो अमूमन इनसे ये आता है। और एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं इससे और पेशाब भी बहुत ज़्यादा आ सकता है इससे। इसके इतने कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो है एक तरह से आयरन और विटामिन सप्लीमेंट है, क्योंकि ये देखें तो बहुत कम कंसंट्रेशन में यहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसके नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ कर लें तो ये तो जिस तरह अभी ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं ये इतने कुछ खास पता नहीं चलते, लेकिन जब हम ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फील होते हैं, एक एक साइड इफ़ेक्ट इसका फील होता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। खासतौर इसका जो आयरन ओवरलोड है वो बहुत ख़तरनाक है। और आपको तो पता है कि ये जो जितने भी हम मेडिसिन वगैरह खा रहे होते हैं ये आखिर में जाके हमारे लिवर से मेटाबलाइज होते हैं और किडनी के जरिए एक्सक्रीशन होती है। तो देखा जाए तो हमारे जो किडनी है और लिवर उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है। इसीलिए जो अगर कोई लिवर के किसी को प्रॉब्लम है या लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है या कोई और प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ध्यान से इसको यूज़ करें और अपने पहले फिजिशियन और फार्मासिस्ट से पूछें और फिर यूज़ करें। ओवरऑल ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत सी कंडीशंस को ये ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। इसके मजीद साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी मजीद ड्रग इंट्रैक्शंस के, ये दूसरी मेडिसिन के साथ क्या इंट्रैक्ट करता है और ये हर्बल प्रोडक्ट्स वगैरह उनके साथ क्या इंट्रैक्शन है इसका, उससे क्या ये साइड इफेक्ट्स करता है, और जो मजीद इसकी डिटेल्स हैं, जैसे इसको प्रेगनेंसी में यूज़ करना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग में इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं, और क्या ये हमारे केस के लिए बेहतर भी है या नहीं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जैसे हार्ट डिजीज या लिवर या किडनी का कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या ये बेहतर भी है या नहीं, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।